हमारी लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो कि हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या मैं वाकई में अगली हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं दिखता। लेकिन मैं आपको यहाँ पर अगली नहीं कहूँगा, मैं आपको बाकी लोगों की तरह हैंडसम ही कहूँगा, लेकिन आप थोड़े से कम हैंडसम है अपने कुछ माइंड सेट की वजह से। आपने अपने जहन में कुछ ऐसी बातें बिठा रखी हैं जो कि आपको अच्छा दिखाना ही नहीं चाहती। आप हमेशा अपने लेवल को, अपने स्टैंडर्ड को दूसरे लोगों से लो रखते हैं। आप हमेशा दूसरे लोगों की ड्रेसिंग को या दूसरे लोगों की लुक को तरजीह देते हैं खुद पर। आज की वीडियो में हम कंप्लीट गार्ड देखने वाले हैं, क्या वाकई में आप थोड़े कम हैंडसम है या ये सिर्फ आपके दिमाग की बात है। तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका ओपिनियन क्या है कि एक हैंडसम इंसान कैसा होता है। क्या अगर आप ये सोचते हैं कि एक ब्रांड पहने वाला इंसान हैंडसम होता है, महंगे शूज पहने वाला इंसान हैंडसम होता है, महंगी चीज़ें पहने वाला इंसान हैंडसम होता है, जिसकी हाइट लंबी है वो हैंडसम होता है, जिसकी हाइट छोटी है वो हैंडसम होता है, या वो इंसान जिसके एब्स हैं, अच्छी फिजिक्स है, वो हैंडसम होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मेरे भाई आप बहुत ही गलत ट्रैक पर जा रहे हैं, आपका ओपिनियन बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। योर कॉन्फिडेंस अकॉर्डिंग टू योर कमेंट जो कि मेरी वीडियो में हर बार आते हैं, मोस्टली लोग कहते हैं कि भाई मेरे लिप्स ज़्यादा रेड हैं, मेरे लिप्स कम रेड हैं, मेरे लिप्स ब्लैक हैं, मेरे टीथ ज़्यादा बड़े हैं, मेरे टीथ सीधे नहीं हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हर इंसान में कमी होती है, कमी नहीं कमियां होती हैं, लेकिन अगर आप उस कमियों को हाइड कर लें या उनको एक्सेप्ट कर लें तो आपकी लाइफ एक नेक्स्ट और होल लेवल पर होगी। आपको क्या करना है, देखें मैंने जब से स्टडी करना स्टार्ट किया, मैंने जब से इस फील्ड में कदम रखा, मैं भी कुछ अच्छा नहीं दिखता था। आप मेरी फोटोज़ देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां तक सिर्फ एक चीज के बिना पर पहुंचाऊं, एक चीज को लेकर पहुंचाऊं, वो है मेरा कॉन्फिडेंस। मैंने जो पहना उस पर कॉन्फिडेंस रखा कि मुझ पर अच्छा लग रहा है, मैंने जो ट्राई किया मैंने कॉन्फिडेंस रखा कि वो मुझ पर अच्छा लगता है। और ट्रस्ट मी, जब मैंने कॉन्फिडेंस रखना स्टार्ट कर दिया तो मुझे हर चीज अच्छी लगना स्टार्ट हो गई। मैंने दूसरे लोगों के स्टाइल से सीखना स्टार्ट किया, मैंने आप लोगों को भी बताया और खुद भी सीखा। और आप मेरी अब प्रेजेंट की फोटोज भी देख सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको मेरी फोटोज में डिफरेंट नजर आएगा कि मैं हर रोज इंप्रूव होता जा रहा हूं, वो भी सिर्फ आप लोगों की बदौलत। मैं आपको सिखाता हूं और खुद भी सीखता हूं, और इसी के साथ मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है। अगर आप अपने आप पर यकीन करेंगे तो आप लोगों से इंटरेक्शन अच्छी तरह कर पाएंगे, आप लोगों से बातें अच्छी तरह कर पाएंगे, आप अपनी ड्रेसिंग सेंस को अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये करना मेरे ख्याल से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कॉन्फिडेंस। ये बात जरूर करूंगा कि अगर आपके अंदर कोई कमी है जो कि हर इंसान के अंदर लाजमी होती है, तो आप उस कमी को कम कर दें। अगर आप उस कमी को कम भी नहीं कर सकते तो आप उसे छुपा लें। अगर आप उस कमी को छुपा भी नहीं पा रहे तो सिंपली उस कमी को एक्सेप्ट कर लें। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, आपको सीखने के काफ़ी ज़्यादा मौके मिल जाएंगे। अगर आपकी एक कमी है तो उसे भूलकर आप अपनी बाकी जो चीज़ें आपको गॉड गिफ्ट मिली हैं उन पर ध्यान दें। ट्रस्ट मी, आपकी लुक, आपके एटिकेट सब इंक्रीज हो जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम बनने वाले हैं। हैंडसम, अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक को हिट कर लें ताकि आपको मेरी इन फ्यूचर में सारी लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। आप सब लोगों ने ये तो सुन रखा होगा, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये बात सही होने के साथ साथ गलत भी है। मैं आपको बता दूं कि अगर इंसान कोई आपसे बात करता है वो तब भी आपके अंदर की ब्यूटी को जान पाएगा, आपके मैनर्स को जान पाएगा, आपके एटिकेट्स को जान पाएगा कि आप किस तरह बात करते हैं, आपका लहजा किस तरह है। लेकिन जो सबसे पहली चीज उसे नजर आती है वो है आपकी लुक, आपके इंप्रेशंस के। आप सबसे पहले लुक और इंप्रेशन उसे कैसे देते हैं, आपकी ड्रेसिंग सेंस कैसी है, आपका टोटल ओवर ग्रूमिंग कैसी है। तो अगर आपको वाकई में कम हैंडसम से हैंडसम इंसान बनना है तो आपको सबसे पहले अपने फर्स्ट इंप्रेशन को इंप्रूव करना होगा, यानी कि अपनी ड्रेसिंग सेंस को इंप्रूव करना होगा, उसे बढ़ाना होगा, उसे अच्छा करना होगा। अब वो कैसे होगा, आपको सबसे पहले अपनी जो कलर मैचिंग है उसे सीखना है। आपको ये सीखना है कि कौन सा कलर किस कलर के साथ ज्यादा बेटर लगता है। वैसे तो आप कोई भी पेयरिंग कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बेटर रखना ज्यादा बेटर है। तो आपको क्या करना है, आपको शूज की पेयरिंग सीखनी है कि आपकी हाइट के मुताबिक कौन से शूज हैं, आपको अपना परफेक्ट हेयर कट करवाना है, आपको ग्रूमिंग अच्छी करनी है। अगर आपको इन सब पे वीडियोस चाहिए मैं इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई कार्ड में भी मिल जाएंगे, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वीडियोस भी लाजमी देख लीजिए। नंबर 4 पर जो चीज़ है वो है आपका फेस। अब आपका फेस वो चीज़ है जो हमेशा एक दूसरे को नजर आता रहता है, जो हमेशा किसी भी चीज़ के पीछे छुपता नहीं है। आप जैसे हैं वो आपके फेस से पता चल जाएगा, आपका कलर्स पता चल जाएगा। तो आपका फेस का अच्छा दिखना
रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी बियर्ड अगर आपको आती है तो आपको बियर्ड अच्छी तरह ट्रिम करके रखनी है, आपको अपने आईब्रो वाला एरिया अच्छी तरह ट्रिम करके रखना है, आपको अपनी स्किन साफ रखनी है, एक अच्छी स्किन केयर रूटीन की जरूरत है। अगर आपको परफेक्ट हेयर कट नहीं है तो आपको परफेक्ट हेयर कट चाहिए, आप अपने फेस शेप के मुताबिक परफेक्ट हेयर कट करवाएं। मैंने इन सब पर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और वीडियो लास्ट में देख लें आपको कंप्लीट गाइड मिल जाएगा। तो बोनस टिप में जैसा कि आपके लिए सरप्राइज होता है हमेशा की तरह, वो है ग्रो अप। अगर आप अपने प्रेजेंट साल अपने पास साल की तरह गुजार रहे हैं, कोई भी चेंजेस नहीं आए, तो ट्रस्ट में आपको ग्रो अप होने की थोड़ी सी ज़रूरत है, आपको थोड़ा ग्रो अप होना चाहिए। अगर आप अपना साल पिछला और ये वाला साल सेम गुजारते हैं तो सच में आपको थोड़ा ग्रो होने की ज़रूरत है। अगर आप स्कूल और कॉलेज में हैं तो आप कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म चूज़ करें जिस पर आपका टाइम भी कम लगे लेकिन आपको अर्निंग आ सके। अगर आप अपनी 25 प्लस हो चुके हैं, अपनी स्टडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप अपने बिजनेस में आए। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप ऑनलाइन कोई भी जॉब कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कोई भी बिजनेस के बारे में सीख सकते हैं। अपना एक पैशन ढूंढिए, उस पर काम करें, आपके अंदर काफ़ी तब्दीलियाँ आ जाएंगी। आपके अंदर एक जो होते हैं ना कि इंसान का एक माइंड सेट बन जाता है, तो वो बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है, वो बड़ा ही एटिकेट वाला इंसान बन जाता है। तो आप बिल्कुल वैसे ही बनने वाले हैं। आपको सिर्फ अपना एक गोल चूज करना है और नाक की सीट पर जाना है। हमारे बुजुर्ग कहा करते हैं कि अगर आप कोई चीज ढूंढ लो तो उसे नाक की सीट पर चल पड़ो और उसे एक्सेप्ट कर लो, उसे हासिल करके छोड़ो। तो आपको भी ऐसा ही करना है। चाहे आप कम स्पीड से चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, लेकिन चलना मैटर करता है ना चलने से। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, क्योंकि मेरे लिए आपका एक कमेंट और आप एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।